हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों ने गुड़ बनते हुए देखा है? नहीं देखा है तो आइए आज आप लोग को दिखाते हैं कि गुड़ कैसे बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एंडोन एक्सप्लोर RK में। आज हम आप लोग को दिखाते हैं कि गुड़ कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग खेत से लाए हुए गन्ने को साफ करके कोल्हू में लगाते हैं और उसका रस निकालते हैं। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि हमने इंजन चला दिया है और हाथ से गन्ने लगाए जा रहे हैं। मेरा छोटा भाई पीछे से गन्ने की सुइयों को बाहर निकाल रहा है। इसी प्रकार से निरंतर गन्नों को कोल्हू में लगाया जाता है और उसका रस निकलता रहता है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो रस है गन्ने का बाहर निकलता है, जो कि एक टैंक में इकट्ठा होता है नीचे। जब ये रस भर जाता है तो इसको उसमें से निकाल के बाहर बाल्टियों में निकाल लिया जाता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि रस इकट्ठा हो गया है, रस भर चुका है। अब रस में से मोटे कचरे को बाहर निकाल लेते हैं हाथों से, ताकि वो जाके फंसे ना। तो इसके बाद रस को महीन कपड़ों से छानते हैं ताकि उसमें कोई गंदगी बची ना रहे। रस को छानने के बाद उसके बाद उसके आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। टैंक भर चुका है, इसलिए रस को दोहरे की मदद से बाहर बाल्टियों में निकाल के आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। छोटा भाई मेरा जबकि रस को बाहर निकाल रहा है, मैं और गन्ने को लगा रहा हूँ कोल्हू में। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि रस कैसे निकल रहा है। इधर से देखिए, पीछे से खुइया जो निकलता है गन्ने का वेस्ट वो है, इसको बाद में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है सुखाकर। इसी से गन्ने को पकाया जाता है, रस को पकाया जाता है। ये हमारा इंजन है कि जो कि कोल्हू को चला रहा है। खुइयों को बराबर साफ किया जाता है ताकि रस में वो खुइये न जाएँ। मेरा छोटा भाई सार्थक है जो कि ये भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यह गन्ना को काट रहा है और हाथ में लगाने के लिए दे रहा है। यहाँ से रस आगे प्रोसेस में आ जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि रस में ढेर सारी गंदगी इकट्ठी हुई एक तरफ से, जो कि आप लोग वीडियो में दिखाई दे रहा है छननी है। इस छननी के मदद से इसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि गुड़ एकदम साफ हो जाए। इसको मही बोलते हैं। देखिए, सारे बाल्टी में सब निकाल कर रखा हुआ है। बाल्टी में हम लोग निकाल कर रख देखते हैं। चारों तरफ हरा भरा मौसम हुआ है, सरसों के पीले फूल खिले हुए हैं। हमारी दादी जी हैं जो कि कढ़ा इसमें से बराबर ईंधन को झोंका जा रहा है, जो कि खुइया पताई रहता है, जो गन्ने का वेस्ट होता है उसी को इसमें झोंका जाता है। रस धीरे धीरे पक के गाढ़ा होता जाता है और सारी गंदगी उस छन्नी के माध्यम से बाल्टियों में निकाल लिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि रस आधा पक चुका है, अभी आधा प्रोसेस बाकी है। अभी इसमें आग लगाया ही जा रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, गुड़ लगभग लगभग पक चुका है।
एक उसका कलर भी आ गया है लाल। अब इसको फरोही के माध्यम से हल्का हल्का चलाया जाता है ताकि गुड़ जले ना। अब गुड़ को धीरे धीरे चलाएंगे हाथों से ताकि ये लगे ना। अब गुड़ लगभग लगभग पक चुका है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं गुड़ लगभग लगभग एकदम पूरा हो चुका है। अब ईंधन झोंकना बंद कर दिया गया है। अब धीरे धीरे इसको पकाया जा रहा है। जब गुड़ का पाग हो जाएगा तो उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, ठंडा किया जाएगा और गुड़ जम के बांधने लायक हो जाएगा। अभी एकदम थोड़ा थोड़ा ईंधन झोंका जा रहा है ताकि गुड़ जले ना और उसका पाग सही आए ताकि गुड़ अच्छे से जम जाए। गुड़ का पाग दे गुड़ को बाहर निकाल के उसको लकड़ी के माध्यम से चलाते हैं ताकि इसमें का सारा लहसुन टूट जाए। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं इसको हाथ से चलाना पड़ता है जब तक गुड़ ठंडा ना हो जाए, जमने ना लगे। अब देखिए दोस्तों गुड़ जम चुका है। अब गुड़ को छोटे छोटे अपने ज़रूरत के अनुसार जितना बड़ा गोला बनाना हो उसको हिसाब से बना के उसको रख लिया जाता है। तो हमारे यहाँ दोस्तों गुड़ ऐसे बनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।